हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल संगीत शिक्षा इन हिंदी। बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमारा हर वीडियो संगीत शिक्षा इन हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए राग जौनपुरी का संक्षिप्त विवरण। ग ध नी स्वर कोमल रहे आरोहन गाहानी, ध ग वादी संवादी से जौनपुरी पहचान। संक्षिप्त परिचय। राग जौनपुरी को आसावरी थाट से उत्पन्न राग माना गया है। इसमें ग ध और नी स्वर कोमल लगते हैं। आरोह में ग वर्ज्य है और अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए इसकी जाति षाडव संपूर्ण है। वादी स्वर ध, संवादी ग है। दिन के दूसरे पहर में इसे गाते बजाते हैं। आपको हम आरोह अवरोह और पकड़ की जानकारी देंगे। उससे पहले इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं। कुछ विद्वानों की धारणा है कि जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की ने इस राग की रचना की थी, इसीलिए इसे राग जौनपुरी कहा गया है। इसे आसावरी राग से बचाने के लिए रे म प बार बार प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आप आलाप देख सकते हैं। यह उत्तरांग वादी राग है, अतः इसकी चलन अधिकतर सप्तक के उत्तर अंग तथा तार सप्तक में होती है। इसमें प ग की संगति बार बार दिखाई जाती है, जैसे आप इसके स्वरों को पहचान सकते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं राग जौनपुरी का आरोह अवरोह और पकड़। इसमें प ग की संगति बार बार दिखाई जाती है, जैसे न्यास के स्वर हैं सा और प, संप्रकृति राग आसावरी। तो आज हमने आपको राग जौनपुरी की जानकारी दी, और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं राग जौनपुरी पर आधारित बंदिश जो तीन ताल में निबद्ध है। Good।
अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग संगीत शिक्षा इन हिंदी। So please watch it this video and don't forget to subscribe it, like it and share it. And if there is any comment, so please comment on my comment box. I hope you.